लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए और जिस रोज येसु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी वो सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने अपना मुंह धो लिया और अब मैं बीना हूं। वो आदमी जिसने ये किया है खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि वो सबत के दिन को नहीं मानता। गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजीज़े दिखा सकता है? पर इस बात से उनमें इख्तिलाफ हुआ, उसने जो तेरी आंखें खोली हैं तो उसके हक में क्या कहता है? वो एक नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि यह अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे ना पूछ लिया, क्या यह तुम्हारा बेटा है? तुम कहते हो कि यह अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देख सकता है? हम जानते हैं यह हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन यह हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है और ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। वो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपने मुतालिक खुद बता सकता है। उसके माँ बाप ने ऐसा यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि जो कोई उसके मसीह होने का इकरार करे वो इबादत खाने से खारिज किया जाए। इसीलिए अंधे भिखारी के माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपने मुतालिक बता सकता है। फिर उन्होंने दूसरी मर्तबा उसको बुलाया जो अंधा पैदा हुआ। तुम खुदा के सामने वादा करो कि तुम सच कहोगे। हम जानते हैं ये आदमी जिसने तुम्हें शिफा दी एक गुनाहगार है। मैं नहीं जानता वो गुनाहगार है या नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मैं अंधा था और अब देखता हूं। उसने तेरे साथ क्या किया? उसने कैसे तेरे अंधेपन का इलाज किया? मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने सुना नहीं, अब दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे, तू ही उसका शागिर्द है, लेकिन हम तो मूसा के ही शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, लेकिन इस शख्स को नहीं जानते कि कहां का है वो। यह तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हो। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो ये कुछ नहीं कर पाता। तू गुनाह में पैदा हुआ और बड़ा हुआ और तू हमें सिखा रहा। और उन्होंने उसे इबादत खाने से खारिज कर दिया। जब येसु ने सुना कि उस आदमी के साथ क्या हुआ तो वो उससे मिला। या तो इब्ने आदम पर ईमान लाता है। मुझे बताइए वो कौन है ताकि मैं उस पर ईमान ला सकूं। तूने उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। मैं ईमान लाता हूं खुदावंद। और उसने येसु के सामने झुककर सजदा किया। मैं दुनिया की अदालत लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। कुछ फरीसी जो वहां उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे पूछा, क्या तू कहना चाहता है कि हम भी अंधे हैं? अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है।